दिल्ली की 70 सीटों पर जय पराजय का फैसला हो चुका है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 62 आम आदमी पार्टी के खाते में और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। 2015 के चुनाव में भी कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली थी और इस बार भी यही ट्रेंड रहा। बीजेपी को पिछली बार 3 सीटें मिली थी जिसमें 5 का इजाफा हुआ है, जबकि आम आदमी पार्टी 2015 में 67 पर थी, लेकिन इस बार 5 सीटों का नुकसान है। आइए आपको बताते हैं उन 8 सीटों के बारे में जिस पर बीजेपी को जीत मिली है। बदरपुर सीट। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राम सिंह नेताजी को सीधी टक्कर दी और जीत हासिल की। गांधीनगर सीट। गांधीनगर सीट से बीजेपी के अनिल कुमार वाजपेयी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन चौधरी को हराया। साथ ही साथ इस सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली भी लड़ रहे थे। घोंडा। घोंडा विधानसभा से बीजेपी के अजय महावर विजयी हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के श्रीदत्त शर्मा को हराया। करावल नगर। इस सीट पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को 8,223 वोटों से हराया। पिछले चुनाव में इस सीट से कपिल मिश्रा जीते थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा था। लक्ष्मी नगर। इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि शुरू में थोड़ा सस्पेंस रहा क्योंकि यहां कांटे की लड़ाई थी। बीजेपी उम्मीदवार अभय वर्मा ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नितिन त्यागी को महज 880 वोटों से हराया है। रोहिणी। रोहिणी सीट से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने जीत हासिल की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राजेश नामा बंसीवाला को 12,648 वोटों के अंतर से हराया। पिछली बार भी इस सीट से विजेंद्र गुप्ता विजय हुए थे। रोहतास नगर। रोहतास नगर से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र महाजन ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सरिता सिंह को हराया। विश्वास नगर। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की जोरदार जीत के बीच विश्वास नगर विधानसभा सीट पर अपनी पकड़ बरकरार रखी और इस बार भी सीट को अपने नाम किया। बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा यहां से एक बार फिर चुनाव जीत कर आए हैं।